Hello friend, good morning. This is Jivis and welcome back to Online Class. Hope you are doing good and staying in home. I am going to take social studies class of standard 2. So please open your book. In homework, I have gave a question answer to remember. Okay, and word meaning chapter 1 question answer, chapter 2 question answer. तो मैं अभी तक सबका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मुझे नहीं मिला है, तो प्लीज आप लोग रिमेम्बर कीजिए, उसको रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। इन टुडेस क्लास विल टॉक अबाउट यूनिट 2 आर एनवायरनमेंट चैप्टर 3 सॉइल। सो हम लोग इसके पहले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्लांट के बारे में, हम लोग फूड के बारे में फूड पढ़ लिए हैं, हम लोग को फूड के बारे में पता है, ठीक है। तो प्लांट्स ट्री फूड पता हो गया कि हम लोग को फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स कर लिए, वेजिटेबल फ्रूट राइट, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन में भी सीरियल्स है, पल्सेस है, तो ये सब हम लोग डिफरेंट टाइप पढ़ लिए। टुडेज क्लास विल टॉक अबाउट द सॉइल आर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है। तो हम लोग का एनवायरनमेंट में सॉइल है, सॉइल मीन्स मिट्टी। तो मिट्टी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और हर डिफरेंट सॉइल्स में जो मिट्टी होते हैं, हर मिट्टी में अलग अलग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो किसी में राइस होते हैं, किसी में जूट होते हैं, किसी में शुगर केन होते हैं, किसी में ज्वार बाजरा होते हैं, मिलेट होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सॉइल्स होते हैं, डिफरेंट 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 प्लांट्स होते हैं। तो किसी किसी एरिया में हर जगह हर सॉइल नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कुछ स्टेट में डिफरेंट सॉइल्स होते हैं, किसी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं, तो वहाँ का वो चीज फेमस होता है। जैसे बिहार में जो है वो सॉइल होता है थोड़ा ब्राउन टाइप का होता है, जिसमें हम लोग राइस वीट ये सब शुगर केन ये सब हम लोग उसमें लगाते हैं, राइट। तो ये जो होता है फर्टिलाइज सॉइल होता है हम, तो उसी तरह से डिफरेंट सिटी में भी डिफरेंट टाइप का सॉइल्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी होते हैं। जैसे टी है, ठीक है, आसाम ये सब में उसमें डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं, जहाँ सिर्फ टी कॉफी ये सब का प्लांट लगाया जा सकता है। ये सब प्लांट लगाएंगे तो वहाँ पर नहीं रहेगा। तो हम लोग डिफरेंट हर सॉइल का डिफरेंट मीनिंग होता है और सॉइल में डिफरेंट टाइप का प्लांट्स होते हैं। तो इस सॉइल के बारे में आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। ग्रेन्स आर आवर मेन फूड, आप लोग भी बुक में चैप्टर 3 ओपन कर लीजिए, यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं, आप भी साथ साथ में देखते जाइए, फिंगर रखते जाना है, ओके। ग्रेन्स आर आवर मेन फूड, ग्रेन्स क्या है, हमारा मेन फूड होता है। अनाज मीन्स आपका क्या हो गया, पल्सेस सीरियल्स ये सब क्या हो गया, आपका मेन फूड होता है। ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ग्रेन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। सारे अनाज हमने कहाँ से मिलता है, प्लांट से या ट्री से मिलता है, राइट। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, अब प्लांट कहाँ होता है, प्लांट सारे प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। हम लोग मिट्टी में सीड्स लगाते हैं, राइट। सीड्स क्या होता है, प्लांट में होता है। तो वो जो सीडलिंग होता है वो कहाँ होता है, सॉइल में होता है। तो ये जो सॉइल होता है उसके बिना आपका प्लांट नहीं होगा, तो सॉइल जरूरी है, राइट। तो प्लांट ग्रो इन सॉइल, तो सॉइल में ही प्लांट ग्रो करता बढ़ता है। सॉइल इज द लाइफ ऑफ प्लांट, सॉइल क्या है, प्लांट का लाइफ है, ठीक है। उसके बिना प्लांट नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो उसको ग्रो करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या जरूरत है, सॉइल का जरूरत होता है। सॉइल इज द ऑर्डर ऑफ रॉक, अब ये सॉइल कैसे आता है, सॉइल कहाँ से मिलता है, जो रॉक्स होता है, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उससे वो छोटा छोटा रॉक्स होता है, ठीक है। वो जब चूर होता है, ठीक है, धीरे 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 वो क्या होता है, सॉइल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बड़े पहाड़ से छोटा पत्थर होता है, छोटे पत्थर से वो फिर सैंड में कन्वर्ट होता है, एकदम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम स्मॉल स्मॉल जो पाउडर होता है रॉक का, ठीक है,
वो धीरे धीरे फिर वो क्या होता है सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है रॉक से सॉइल बनने में, ठीक है। तो सॉइल इज द पाउडर ऑफ रॉक, सॉइल क्या है पाउडर है रॉक, ह्यूमस एंड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमस एंड ह्यूमिडिटी मीन्स जो इसके कारण हम लोग का क्या होता है सॉइल बनता है, ह्यूमस के कारण और ह्यूमिडिटी। ह्यूमस मीन्स हो गया क्या कि सड़ जाने के बाद, ठीक है, सड़ने से। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, उसमें पानी और सड़ने के कारण मीन्स जैसे पत्ते हैं, ठीक है, आपके गार्डन में पत्ते हैं वो आप रख दीजिए, ठीक है, वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, राइट। तो सभी पत्ती से मिट्टी बनता भी है, ठीक है, वो मिट्टी बना वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कुछ दिन बाद धीरे 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 वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद अपना उसमें नमी होता है, पानी का थोड़ा पानी का उसमें पार्ट होता है जिससे जिसे हम लोग नमी बोलते हैं, ठीक है। तो नमी से और सड़ने से क्या होता है कि ह्यूमस एंड ह्यूमिडिटी आर फाउंड इन सॉइल में हमें मिलता है। तो ह्यूमस एंड ह्यूमिडिटी मीन्स क्या हो गया कि जब आपका कोई भी पदार्थ है वो सड़ता है, ठीक है, और उसमें ह्यूमिडिटी होता है मीन्स नमी होता है, तो वो क्या होता है मट्टी बन जाता है, जैसे पत्ते हैं आपके। तो प्लांट के जो लीव्स हो गए या ट्री के लीव्स है उसको आप कलेक्ट करके आप से गड्ढा करके उसमें पत्ते डाल दिया, उसमें थोड़ा पानी डाल दिए, तो धीरे धीरे सॉइल बन जाता है। तो ह्यूमस इज द डेड पार्ट ऑफ प्लांट। ह्यूमस क्या होता है सरे और पत्ते ये जो होते हैं या प्लांट जो डेड हो जाते हैं वो सड़ जाते हैं, उससे क्या होता है सॉइल बनता है, ठीक है। तो ह्यूमस इज द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, आइदर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है, वो सड़ जाता है गल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है फॉन्ड इन द ये सब चीज होता है सॉइल में मिलता है। अगर हम सॉइल देखा जाए तो सॉइल क्या है कि ह्यूमस का पार्ट होता है, ठीक है, सॉइल में थोड़ा उसमें ह्यूमस होता है, थोड़ा ह्यूमिडिटी होता है, थोड़ा क्या होता है ह्यूमस एंड ह्यूमिडिटी का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ह्यूमस मेक सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस से क्या होता है सॉइल क्या होता है फर्टाइल होता है, मतलब वो खनिज पदार्थ होता है, मतलब वो फर्टिलाइजर वो बन जाता है, ठीक है। ह्यूमस से क्या होता है मिट्टी आपका उपजाऊ बनता है, ठीक है, फर्टिलाइज हो जाता है। देयर इज नो इक्वल अमाउंट ऑफ इट प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ये जो फर्टाइल है ये ह्यूमस है, हर सॉइल में जरूरी नहीं हर जगह एक बराबर आपका फर्टाइल हो, तो किसी जगह आपको ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, किसी जगह थोड़ा कम फर्टाइल सॉइल होता है। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि प्लांट तुरंत हो जाता है, किसी जगह पर प्लांट नहीं हो धीरे से होता है या बहुत टाइम लगता है, तो उसमें हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं कि प्लांट ग्रो करे फास्ट करे। तो फर्टिलाइजर हम लोग कैसे बना सकते हैं, फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं हम लोग, अगर आपके घर में गार्डन है तो आप उसका जो प्लांट ट्री का जो लीव्स है उसको हम लोग कलेक्ट करके एक गड्ढा करके उसमें हम लोग डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो धीरे 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 वो फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर उससे निकलता है। तो देयर इज नो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ये जो है वो हर जगह एक इक्वल नहीं होता, अलग अलग अमाउंट में होता है, कहीं पर ज्यादा फर्टाइल होता है, कहीं पर कम फर्टाइल होता है। सॉइल इज मेड फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ रॉक, सॉइल क्या होता है रॉक्स के टूटने से बनता है, राइट। हम लोग ये पहले भी पढ़े कि पाउडर होता है रॉक का, पाउडर होता है ये जो टूटता है रॉक उसके टूटने से सॉइल बनता है। प्लांट एंड ट्री ग्रो इन द सॉइल, प्लांट और ट्री ये क्या होते हैं ग्रो करते हैं सॉइल में। तो फ्रूट वेजिटेबल सीरियल्स आर ग्रोन इन द सॉइल, तो फ्रूट भी है वेजिटेबल है सीरियल्स है ये सब कहाँ होते हैं सब सॉइल में होते हैं। टी कॉटन सुगर केन एंड रबर है ना, टी कॉटन
tea, cotton, sugarcane, and rubber are also grown in the soil. Or tree, cotton, sugarcane, rubber भी soil में होते हैं. They are very useful to us. और ये सब क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है हम लोग के लिए. ठीक है, तो जितने भी आप देख रहे हैं ग्रेन्स है या फिर कॉटन है, टी है, सुगर कैन है, रबर है, ये सब क्या सॉइल्स में होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के लिए. वेसल एंड हाउसेस आर मेड फ्रॉम सॉइल. तो मिट्टी का आप लोग बर्तन देखे होंगे, तो वेसल्स एंड हाउसेस, और मिट्टी के घर भी बनते हैं, तो मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं, मिट्टी के घर भी बनते हैं, मेड फ्रॉम सॉइल, ये सब सॉइल से बनते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन आवर नेबरहुड. हम लोग के चारों तरफ, हम लोग के नेबर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सॉइल्स होते हैं. ठीक है, तो आप सपोज हम लोग बिहार में हैं, तो हमारे नेबर्स क्या हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको सॉइल मिलेंगे. या झारखंड गए या फिर आपका नेपाल, ये सब जगह आप देखेंगे हमारे नेबर्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स मिलते हैं. सॉइल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. सॉइल कितने प्रकार के हैं, फाइव टाइप्स में सॉइल को डिवाइड किया गया. ठीक है, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल है ना, इसमें आप देखेंगे कितने हैं, फाइव टाइप्स है. ब्लैक सॉइल है, अलुवियल सॉइल है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है. तो हम लोग इसका एक इमेज पहले देख लेते हैं, ओके, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इमेज में क्या है, ब्लैक सॉइल है. कौन सा सॉइल है, इसमें ब्लैक सॉइल है. यहाँ पर आप देखेंगे सारा जो मिट्टी है वो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक सॉइल हो गया. एलुवियल सॉइल क्या होता है, जो हमारा उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मिट्टी होता है और कीचड़ होता है, मिक्स होता है. तो ये सॉइल जो है ये क्या होता है कि बाढ़ जो आता है ना, पानी का बाढ़ जो आता है, फ्लड आता है, उससे ये मिट्टी बनता है. तो ये बाढ़ जो होता है, फ्लड होता है, वो मिट्टी अपने साथ लेके आता है और उससे ये मिट्टी बनता है. ये बहुत फर्टिलाइज होता है. ठीक है, क्ले सॉइल भी जो होता है ये क्या होता है कि आप देखेंगे इसमें क्रैक क्रैक टाइप का है. तो ये क्ले सॉइल क्या होता है कि इसमें पानी जब होता है तो ये बहुत बहुत सॉफ्ट होता है. ठीक है, ठीक है, स्किनी टाइप का होता है, एकदम चिकना होता है, मगर जब पानी हटने से क्रैक क्रैक हो जाता है. क्ले जो होता है एकदम सॉफ्ट चिकना मिट्टी होता है. ठीक है, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल मीन सैंड टाइप का सॉइल होता है, मिट्टी होगा जब एकदम बालू टाइप का मिट्टी लगता है देखने में. ओके, रेड सॉइल, रेड सॉइल रेड कलर का दिखेगा. येलो सॉइल क्या होता है, येलो कलर का होता है. येलो सॉइल क्या होता है, जब मट्टी भी पुराना हो जाता है, कुछ दिन हो जाता है पानी से, इसमें भी इसमें क्या होता है, फ्रोजन होता है, ये भी इसमें जंग टाइप का लग जाता है, येलो सॉइल हो जाता है. रेड सॉइल क्या होता है, जो आपको रेड रॉक्स होता है, लाल कलर का पत्थर है, उससे आपको रेड सॉइल होता है. और रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल जब दोनों मिक्स होते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल बनता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग ऑफ लावा. अब ब्लैक सॉइल कहाँ से आता है, जो ब्लैक कलर का सॉइल था वो कहाँ से आता है, तो जो लावा होता है. ठीक है, लावा लावा कहाँ से होता है, तो वोल्केनो जो इरप्शन होता है, वोल्केनो से हम लोग को लावा आता है. तो लावा जब कूल होता है, ठंडा होता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, सॉइल बन जाता है. और वो सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं. दिस सॉइल हैज द एबिलिटी टू होल्ड मोर ह्यूमिडिटी. ये इसका एबिलिटी होता है, ब्लैक सॉइल में क्या होता है, ह्यूमिडिटी को ज्यादा स्टोर करता है, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है. ह्यूमिडिटी मीन्स क्या हो गया, नमी. तो हम जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें नमी ज्यादा होता है. ठीक है, दिस सॉइल हैज द एबिलिटी टू होल्ड मोर ह्यूमिडिटी. इसमें पानी का जो मात्रा है वो थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, तो इस सॉइल द एबिलिटी टू होल्ड मोर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इसमें ज्यादा होता है. तो इस सॉइल में किस तरह का प्लांट्स और ट्री होते ग्रो करते हैं, तो लाइक कॉटन, वीट, आयल सीड्स,
etc आर ग्रोन इन द दिस सॉइल। इस सॉइल में कॉटन होते हैं, वीट होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, ये सब जो होते हैं प्लांट्स या ट्री, ये सब हम लोग को ब्लैक सॉइल में होते हैं। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल में कौन से होते हैं? सो व्हाट इज एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल क्या होता है? दिस सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स। हम ये दिखाए थे ना इमेज में कि वो थोड़ा कीचड़ टाइप का था, राइट? मिक्सचर ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल, ये दो तरह के मिक्सचर होते हैं इसमें। इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। ये क्या होता है? सैंडी, सैंडी एंड क्ले दोनों को मिक्स होकर ये सॉइल बनता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। ये क्ले जो चिकना मिट्टी हो गया एंड सैंडी, ये जो सैंडी मीन्स बालू टाइप का जो मिट्टी है, दोनों को मिलने से ये मिट्टी बनता है। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉइल इट इज कॉल्ड द एलुवियल सॉइल। ये दोनों को मिक्स होने के कारण इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। दिस सॉइल इज गुड एंड फर्टाइल। ये सॉइल क्या होता है? गुड होता, अच्छा होता है, और फर्टाइल होता भी है। ये हम लोग हम बताए थे ना कि हमारे जो बिहार में है ये हम लोग को एलुवियल सॉइल मिलते हैं। दिस सॉइल इज गुड एंड फर्टाइल, ये अच्छे होते हैं और फर्टाइल होते हैं। वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, मेज, ग्राउंड नट, इटिस आर ग्रोन इन इट। इसमें क्या क्या होते हैं इस मिट्टी में? हम लोग कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं? वीट लगा सकते हैं, राइस हो सकता है, कॉटन हो सकता है, शुगर केन, मेज, ग्राउंड नट, इटिस, ये सब हम लोग एलुवियल सॉइल में लगाते हैं, ठीक है, इससे आपको मिलता है। क्ले सॉइल, क्ले सॉइल क्या है? दिस सॉइल इज मेड ऑफ सेडिमेंट ब्रिंग बाय रिवर। ये क्या होता है? रिवर जो होता है, रिवर जो में पानी जो होते हैं, तो वो उससे क्या होता है, अब एक प्लेस से रिवर जो फ्लो करता है तो एक प्लेस से क्या होता है, सैंड को वो लेते हुए दूसरे प्लेस आ जाता है, ठीक है, या तो वो धीरे धीरे क्या होता है, दिस सॉइल इज मेड ऑफ सेडिमेंट ब्रिंग बाय रिवर। जो जो रिवर से सैंड या कीचड़ वो सब जो आता है वो क्या होता है, सॉइल बनता है, ठीक है, तो वो मिक्स होता है, ठीक है, और उससे सॉइल हो जाता है। तो दिस सॉइल इज मेड ऑफ सेडिमेंट ब्रिंग बाय रिवर, ये रिवर पानी, जो रिवर के पानी से ये मिट्टी आता है। इन इट मोर ह्यूमस इज फाउंड, इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होता है। ह्यूमस मीन्स क्या हो गया? डेड बॉडी या प्लांट, ठीक है, ये सब इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, ये बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। इन इट राइस, जूट, शुगर केन एंड शुगर केन, वीट एंड मेज आर ग्रोन। इस सब में क्या होता है? राइस होता है, जूट होता है, शुगर केन होता है, वीट भी होता है, मेज इटिसी आर ग्रोन, इसमें ये सारे प्लांट ग्रो करते हैं। सैंडी सॉइल, सैंडी मीन्स बालू टाइप का सॉइल। इन दिस सॉइल मोर सैंड इज फाउंड, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में सैंड मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, इसलिए हम लोग इसे सैंडी सॉइल कहते हैं। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, ये क्या होता है, फर्टाइल थोड़ा कम होता है, इसमें हम लोग प्लांट ज्यादा प्लांट नहीं हो सकता है क्योंकि इसका फर्टिलिटी कम होता है। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल। इट इन इट ज्वार, मिलेट, मेज आर ग्रोन इन इट। इसमें क्या क्या प्लांट होते हैं? ज्वार होते हैं, मिलेट होते हैं, मेज होते हैं, ये सारे प्लांट हम लोग इसमें लगाते हैं और इससे ग्रो होता है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल और येलो सॉइल भी होते हैं, और रेड एंड येलो मिक्स सॉइल भी होते हैं, ठीक है, तो रेड एंड येलो सॉइल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन मोर पार्टिकल्स दिस सॉइल इज रेड एंड येलो। आयरन के कारण क्या होता है कि इसमें ये जो सॉइल होते हैं रेड एंड येलो होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन के प्रेजेंस से इस मिट्टी में आयरन होता है, ठीक है, तो आयरन के प्रेजेंस होने से इसका आयरन का मोर पार्टिकल होता है उसमें सॉइल में, उसके कारण क्या होता है, रेड एंड येलो कलर का ये सॉइल होता है। रेड एंड येलो सॉइल आर लेस फर्टाइल, ये भी क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है। इन इट ज्वार, मिलेट एंड राइस आर ग्रोन। इसमें क्या क्या
ग्रो करते हैं, ज्वार होते हैं, मिलेट होते हैं एंड राइस, ये सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके सर, आपको ये चैप्टर रीड करके आना है और इसका वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग भी आपको रिमेम्बर करना है। सो राइट डाउन द वर्ड मीनिंग इन द कॉपी, फर्स्ट यू हैव टू राइट द दिस ऑल वर्ड मीनिंग इन द कॉपी, ओके, एंड देन रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग, ओके, एंड ऑल्सो रीड दिस चैप्टर। If you are, have still any doubts, again play this video, again watch this video, understand, try to understand by yourself. आप लोग खुद से पढ़िए, खुद से समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है वर्ड मीनिंग देखिए उसका और समझिए, ठीक है। तो उसको अपने से पढ़ना है, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, आपको खुद से समझ में आना चाहिए, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको पूरा समझ में आना चाहिए खुद से। वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग रिमेम्बर कीजिए तो आपको और इजी होगा चैप्टर रीड करके समझने में, ठीक है। तो इसको आपको दो बार रीड करना है एटलीस्ट, ओके। यहाँ पर नीचे में एक हेल्प लिखा हुआ है, इसमें लो मोल्ड, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एलुवियल सॉइल जो होता है बेस्ट सॉइल होता है, क्योंकि ये फर्टाइल भी होता है और अच्छे भी होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्या हम लोग प्लांट्स होते हैं, राइट, वीट, राइस, कॉटन, सुगर केन, मेज, ग्राउंड नट, ये सारे तरह के इसमें प्लांट हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो एलुवियल सॉइल क्या होता है, बेस्ट होता है, ओके। सो यू हैव टू रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग एंड रीड द चैप्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू हैव लाइक दिस क्लास, इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन। And still you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. Okay, and we'll see you in the next class. Till that time, keep washing your hands, stay safe and stay in home. Bye-bye, see you.